बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हमने आपकी आईसीएस पार्ट 1 की बुक के चैप्टर नंबर 3 का आगाज किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, डाटा कम्युनिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है इनकोडिंग ऑफ डाटा। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इनकोडिंग ऑफ डाटा को तो देखेंगे ही, साथ के साथ इसकी अलग अलग स्कीम्स को भी देखेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में जो मैं आपको सबसे ज्यादा अहम चीज सिखाऊंगी वो मैं ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप किसी भी डाटा को, किसी भी नंबर्स को, जैसे ए बी सी डी, इनको कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर तब्दील कर सकते हैं। के साथ साथ हम बिट्स के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम्स को देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर हो जाएं। दोस्तों, आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि इनकोडिंग ऑफ डेटा की हमें जरूरत क्यों पेश आई। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम्स को समझता है, यानी वन और जीरोस पर मुश्तमिल कोड को ही अंडरस्टैंड कर सकता है और उसी कोड पर, उसी पर तमाम वर्किंग करता है। अब फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लेटर है जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स मौजूद हैं, और वो आपको आपके फ्रेंड को भेजना है जो कि किसी दूसरे कंट्री में रहता है। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा आसान जरिया है वो यही है कि आप उसको कंप्यूटर के जरिए टाइप करें और ईमेल कर दें अपने दोस्त को। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर तो किसी टेक्स्ट, किसी नंबर, ऑडियो या वीडियो को नहीं अंडरस्टैंड करता, वो तो सिर्फ वन और जीरोस को ही समझता है। तो इसीलिए इन तमाम डेटा को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो आपको उस लेटर को भी और जितना भी डेटा और जितनी भी डेटा की टाइप्स हैं, जैसे कि ऑडियोज, वीडियोस, इमेजेस, यानी तमाम डेटा को वन और जीरोस यानी बाइनरी नंबर्स के अंदर तब्दील करना होगा। तो इसीलिए जरूरत पड़ी ऐसे रूल्स की, ऐसी टेक्निक्स की, जिनके जरिए इन तमाम डेटा को तब्दील किया गया बाइनरी नंबर्स में। और वो टेक्निक्स जिनके जरिए डेटा को तब्दील किया गया वो कहलाती हैं इनकोडिंग स्कीम्स। तो इनकोडिंग स्कीम्स तो बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे पहली इनकोडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई वो थी बीसीडी। बीसीडी मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल। दोस्तों, बीसीडी के जरिए डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स के अंदर तब्दील किया जाता था। बाइनरी नंबर्स तो मैंने आपको बताया कि जो कि वन और जीरोस पर मुश्तमिल होते हैं, और डेसिमल नंबर क्या होते हैं? दोस्तों, डेसिमल नंबर यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिन नंबर्स को यूज करते हैं वो दरअसल डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो कि 0 से लेकर 9 यानी 10 डिजिट से मिलकर बनते हैं। आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोचेंगे तो वो इन्हीं 10 नंबर से मिलकर बनेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर उनके अंदर शामिल नहीं हो सकता। अब इन नंबर्स को हमें कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए जो सबसे पहली स्कीम बनाई गई वो थी बीसीडी। दोस्तों, बीसीडी सिर्फ 4 बिट के कोड पर ही काम करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 बिट के मायने क्या हैं। तो दोस्तों, 4 बिट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिट क्या है। बिट वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो सबसे छोटा यूनिट है जिसके जरिए कंप्यूटर अपने अंदर डेटा को महसूस करता है। और दोस्तों, जितनी बिट, और बिट का कॉन्सेप्ट ये भी है कि जितनी नंबर ऑफ बिट कोई स्कीम यूज करेगी उतना ही डेटा आपका कंप्यूटर अपने अंदर बाइनरी फॉर्म में महफूज कर सकता है। और इसको मालूम करने का एक फॉर्मूला है, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। अगर कोई स्कीम 1 बिट की है तो 2 की पावर 1 होगी, अगर कोई बिट 2 बिट के डेटा पर काम करती है तो उसकी पावर होगी 2 की पावर 2। इसी तरह जैसे कि बीसीडी 4 बिट का कोड यूज करती है तो इसकी पावर होगी 2 रेस्ट टू द पावर 4। लेकिन इस 2 की पावर से क्या निकलेगा? दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कीम 1 बिट की है, 1 बिट का मतलब है 2 की पावर 1, यानी वो 2 नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर महफूज करा सकती है, और वो 2 नंबर होंगे 0 और 1, और उन 2 नंबर्स को वो 0 और 1 की शक्ल में, एक एक बिट की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर महफूज कराएगी, क्योंकि ये 1 बिट की स्कीम है। अगर कोई 2 बिट की स्कीम है तो 2 की पावर 2, यानी ये 4 नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर महफूज करा सकती है, और वो 4 नंबर होंगे 0, 1, 2 और 3। ये तो हो गए 4 नंबर्स, और इन 4 नंबर्स को अलग अलग बाइनरी कोड्स के अंदर, जो कि 2-2 बिट्स के होंगे,
इस शक्ल में कंप्यूटर के अंदर महफूज कराएगी। और दोस्तों अगर बीसीडी की बात करें तो बीसीडी की जो कोड की बिट होती है वो होती है 4 बिट। तो 4 बिट का मतलब है 2 की पावर 4, यानी ये 16 नंबर्स को 0 से लेकर 15, यानी 16 नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर 4 बिट्स की शक्ल में, 4 बिट्स के 1 और 0s के मुश्तमिल कोड को कंप्यूटर के अंदर महफूज कराएगी। तो डियर फ्रेंड्स, किस तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ये तब्दील करती है इन 1 और 0s को। दोस्तों बाइनरी नंबर्स की बेस होती है 2। इसकी बेस 2 इसलिए होती है क्योंकि ये 2 नंबर्स 1 और 0s पर मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर में जितना भी डाटा होगा वो इन्हीं 2 नंबर्स पर मुश्तमिल होगा। तो डियर फ्रेंड, अगर कोई नंबर है 5 जो कि आपको कंप्यूटर में डालना है और आप अपने कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं 5, तो कंप्यूटर के पास 5 नहीं जाएगा बल्कि 5 के पीछे जो बाइनरी कोड होगा, फॉर एग्जांपल 0101, ये जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसे ही बिना सोचे समझे हर नंबर को कोई भी 0 और 1 पर मुश्तमिल कोड दे दिया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। अब अगर हम इस 5 के कोड को ही देखें जो कि है 0101, तो डियर फ्रेंड्स इसमें जितनी वैल्यूज हैं ये किसी न किसी पोजीशन पर होंगी। फॉर एग्जांपल ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है, इसीलिए इसमें तमाम पोजीशन 2 का मल्टीपल होगी। फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट पोजीशन, फिर अगली पोजीशन 2 का मल्टीपल होगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगी 2's पोजीशन। और अगली पोजीशन भी 2 का मल्टीपल होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगी 4th पोजीशन। और जो अगली पोजीशन होगी वो भी 2 का मल्टीप्लाई होगी, तो 4th को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगी 8th पोजीशन। और दोस्तों इस तरीके से क्योंकि ये 4 बिट का कोड है तो इसमें पोजीशंस भी 4 ही होंगी और किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स की तादाद भी 4 ही होगी। सबसे पहले इसमें मौजूद तमाम बिट्स को, तमाम पोजीशंस पर मौजूद बिट्स को 0 कर देंगे। अब आप थोड़ा जहन लगाएं और देखें कि 5 को आप कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से इन बाइनरी कोड्स में तब्दील करेंगे। दोस्तों 5 इनमें से कौन सी पोजीशन से मिलकर बनेगा? 4 और 1 से। तो 4 और 1 पर मौजूद बिट्स को 1 कर देंगे और बाकी तमाम बिट्स को 0 कर देंगे। इस तरीके से जो 5 का बाइनरी कोड बनेगा वो बनेगा 0101। अब जब आप 5 को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो कंप्यूटर के अंदर 5 नहीं जाएगा बल्कि उसकी जगह ये बाइनरी कोड जाएगा। और आप जान चुके हैं कि किस तरीके से किसी भी नंबर का बाइनरी कोड बनाया जाता है। चले आइए इसकी एक और प्रैक्टिस करते हैं और 9 को बाइनरी नंबर के अंदर तब्दील करके देखते हैं। तो दोस्तों 9 किस तरीके से बनेगा? दोस्तों आप देख सकते हैं कि 9 इन पोजीशंस में से 8 और 1 से मिलकर बनता है, यानी जब हम 8 और 1 को प्लस करेंगे तो बनेगा 9। तो इस 8 और 1 पर मौजूद, इस 8 और 1 की पोजीशन पर मौजूद बिट को कर देंगे 1, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया 8 पर जो मौजूद थी बिट उसको 1 कर दिया और फर्स्ट पोजीशन पर जो बिट थी उसको 1 कर दिया। तो इस तरीके से 9 का जो बाइनरी कोड बनेगा वो बनेगा 1001। और इस तरीके से ये 16 नंबर्स यानी 0 से लेकर 15 नंबर्स को बाइनरी नंबर्स के अंदर तब्दील करके, यानी 1 और 0s के कोड में तब्दील करके कंप्यूटर के अंदर महफूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप जान चुके हैं कि किस तरीके से डेसिमल नंबर को आप कंप्यूटर की जबान में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन बीसीडी की कुछ लिमिटेशन थी क्योंकि ये 4 बिट यानी सिर्फ 16 नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर डाल सकता था और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स को भी कंप्यूटर में डालने की जरूरत होती है। तो इसीलिए बीसीडी की बिट्स कम होने की वजह से बनाई गई अगली स्कीम जो थी EBCDIC। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी बीसीडी को ही एक्सटेंड किया गया था, बीसीडी को ही आगे बढ़ाया गया। दोस्तों बीसीडी 4 बिट का कोड था यानी ये सिर्फ 16 नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर डाल सकता था, जबकि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल 8 बिट का कोड था यानी ये 2 की पावर 8 मींस 256 नंबर्स करेक्टर अल्फाबेट्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा सकता था और हर नंबर के लिए, हर करेक्टर के लिए 8 बिट्स का इस्तेमाल करता था। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है
तो ए के लिए ए को कंप्यूटर में स्टोर कराने के लिए ये 8 बिट्स का इस्तेमाल करता था। दोस्तों EBCDIC को डेवलप किया था IBM ने अपने कंप्यूटर्स के लिए, लेकिन डियर फ्रेंड्स अब एक मसला आ गया था क्योंकि तमाम कंपनीज ने अपने कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग कोडिंग स्कीम्स बनाना शुरू कर दी थी। किसी के कंप्यूटर में सी के लिए कोड था 1001, तो किसी दूसरे कंप्यूटर में वो कोड था डी के लिए। अब जब आप किसी को सेंड करते थे सी, तो उसको वो मिलता था डी। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर ये तीन कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो आपके कंप्यूटर में डी के लिए कोड है 00100, ओ के लिए है 01111 और जी के लिए है 00111। लेकिन आप जिस दूसरे कंप्यूटर के अंदर इसको सेंड करेंगे उसके अंदर ये तमाम कोड्स हैं, सी के लिए और ए के लिए ये कोड है और टी के लिए है 00111। यानी अब जब आप सेंड करेंगे टेक्स्ट फाइल में डॉग, तो उसको मिलेगा कैट, मींस उसके पास वो डाटा पहुंचेगा ही नहीं जो आप उसको सेंड करेंगे। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जरूरत पड़ी एक ऐसी स्कीम की जो तमाम कंप्यूटर्स के लिए एक जैसी हो। मींस अगर आपके कंप्यूटर में सी के लिए कोड है 1001, तो जिस कंप्यूटर को आप डाटा भेज रहे हैं उसके कंप्यूटर में भी सी के लिए यही कोड होना चाहिए ताकि तमाम कंप्यूटर्स बआसानी डाटा को ट्रांसफर कर सकें। तो इसके लिए जो स्कीम बनाई गई वो थी ASCII। दोस्तों ASCII मुखफ्फिफ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये स्टैंडर्ड स्कीम बनाई गई थी। अब तमाम कंप्यूटर्स मींस सेंडर और रिसीवर और जितने भी कंप्यूटर्स आप इस्तेमाल कर रहे होंगे सबके पास यही स्कीम यूज होगी, इसकी वजह से जो डाटा आप भेजेंगे रिसीवर को वही डाटा मिलेगा। इसको बनाया था ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। दोस्तों ASCII में सबसे पहले 7-bit कोड्स थे, यानी 7-bit के ऊपर मुश्तमिल कोड्स था, और 7-bit का मतलब है 2^7, यानी ये 128 करेक्टर्स अल्फाबेट्स और नंबर्स को स्टोर करा सकता था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे डिजिटल डाटा की तादाद बढ़ती गई तो ASCII को भी एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी, तो फिर आया एक्सटेंडेड ASCII जो कि 8-bit था, और उस 8-bit के अंदर 256 करेक्टर्स अल्फाबेट्स नंबर्स पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह को आप कंप्यूटर के अंदर महफूज करा सकते थे, और इसके जरिए ना सिर्फ नंबर्स अल्फाबेट्स बल्कि पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल को एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता था। तो जिस कंप्यूटर को आप वो टेक्स्ट फाइल भेजेंगे तो उसके पास भी ASCII स्कीम होगी, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड स्कीम बना दिया गया था, तो उसको वही टेक्स्ट फाइल मिलेगी जो आपने उसको भेजी होगी। और आज भी हम अपने कंप्यूटर्स में जो कोडिंग स्कीम इस्तेमाल करते हैं वो है ASCII। दोस्तों ASCII के बाद जो अगली स्कीम आई वो है यूनिवर्सल कोड, यानी यूनिकोड स्कीम। यूनिकोड मुखफ्फिफ है यूनिवर्सल कोड का। ये एक ऐसा कोड था, ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि दुनिया में मौजूद तमाम करेक्टर्स अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस तक को कंप्यूटर के अंदर महफूज करा सकती थी। दोस्तों ASCII में मैक्सिमम 256 अल्फाबेट्स करेक्टर्स को स्टोर कराया जा सकता था, जबकि यूनिकोड 16-bit था, और 16-bit का मतलब है 2^16, यानी ये 65,536 करेक्टर्स को अल्फाबेट्स को पंक्चुएशन मार्क्स को और आजकल जितने भी इमोजीज यूज हो रहे हैं मैथमेटिकल नोटेशंस यूज हो रहे हैं वो तमाम को उन तमाम चीजों को कंप्यूटर में महफूज करा सकता था, और साथ के साथ वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं उनको भी कंप्यूटर की फॉर्म यानी बाइनरी फॉर्म में तब्दील कर सकता था। दोस्तों इसको भी डेवलप किया था ASCII ने, यानी जिन्होंने ASCII को डेवलप किया था उन्होंने ही यूनिकोड को भी डेवलप किया, इसीलिए इसमें स्टार्ट के 256 नंबर्स और लेटर्स वही हैं जो कि ASCII के थे, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसने ASCII को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि यूनिकोड के जरिए ASCII के तमाम करेक्टर्स नंबर्स अल्फाबेट्स और सिंबल्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, साथ के साथ मजीद सिंबल्स मैथमेटिकल नोटेशंस और डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी आप कंप्यूटर में अलग अलग बाइनरी फॉर्म में महफूज कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है कि ये ASCII का बैकवर्ड कंपैटिबल है, यानी अगर एक कंप्यूटर के अंदर ASCII है और दूसरे कंप्यूटर के अंदर यूनिवर्सल कोड यानी यूनिकोड स्कीम यूज हो रही है, तो अगर यूनिकोड स्कीम ASCII को यानी ASCII वाले कंप्यूटर को कोई डाटा भेजेगी तो उसको वो वही डाटा मिलेगा, क्योंकि यूनिकोड के अंदर जो स्टार्ट की 256 बिट्स हैं
256 करेक्टर्स नंबर्स हैं वो वही हैं जो कि ASCII के थे, तो यानी ये ASCII का कंपैटिबल भी है और इसीलिए इसने ASCII को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिग्नल क्या है, क्यों यूज किया जाता है और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की डिटेल्स देखेंगे। और आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि इनकोडिंग ऑफ डाटा क्या होता है, ईसीडी एबीसीडी क्यों इस्तेमाल की जाती है, यूनिवर्सल कोड कितने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आज के लिए यही है, अगले लेक्चर में हम सिग्नल्स की डिटेल्स देखेंगे।